हाय दोस्तों, आप देख सकते हो ऐसा एक लाइट हम बनाने जा रहे हैं आज। तो आप देख लो, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये लाइट। तो आप देख लो, मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। तो देखो पास से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लाइट, ये बक्सा से मतलब चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको गले में पहन लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से आ गया, देख सकते हो लाइट्स को मैं गले में पहन लेता हूँ फिर से। तो ये बक्से से मतलब कंट्रोल होता है। तो देख सकते हो स्विच से कंट्रोल हो रहा है। तो वीडियो चलिए देखते हैं इस लाइट को कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों, अब आपको ले लेना है एलईडी। तो यहाँ पर मैं ले लिया हूँ 8GB एलईडी। तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है, तो इसमें कुछ हमको करना नहीं है। इसका जो छोटा वाला लेग है ये है नेगेटिव, और जो बड़ा वाला लेग है वो पॉजिटिव है। तो ये जो छोटा वाला लेग है इसको मैं छोटा करके कट कर दूंगा, और जो बड़ा वाला लेग है उसको छोटे वाले से बड़ा करके कट कर लूँगा। तो देख सकते हैं मैंने कैसे कट कर लिया है, मतलब कटा हुआ है। तो ऐसे ही आपको सभी एलईडी को कट करना है। मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। जो छोटा वाला एलईडी था, जो छोटा वाला देखता है उसको छोटा करके कट करना है, जो बड़ा वाला एलईडी बड़े करके कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सभी को कट कर लिया हूँ। तो आप जैसे भी कट करो, आप समझ पाए ऐसे होना ही होगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक सोल्डिंग आयरन स्टैंड, ये मैंने खुद ही बनाया है। वीडियो आपको ऊपर आई बटन में जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एलईडी के जो लेग्स है उसमें आपको सोल्ड करके थोड़ा सा जो वो सोल्डिंग वायर होता है, मतलब जो सोल्डरिंग वायर होता है उसको लगा देना है। उसके बाद आपको एक लंबा सा वायर लेना है। तो मैंने वायर लिया है, तो वायर का ऊपर वाला हिस्सा आपको ऐसे कट कर लेना है। तो उसके बाद आपको जैसे कट करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं देख सकते हो 8 नंबर पे यहाँ पर दूरी रख रहा हूँ, आप कुछ भी रखना। तो यहाँ पर मैं वायर को पूरा नहीं कट करूँगा। तो आप अच्छी तरह से ध्यान से देखो, मैं वायर को पूरा कट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं एलईडी को सोल्ड कर दूंगा। तो मैंने आपको बोला था एलईडी पे सोल्डरिंग वायर लगाने के लिए, तो मतलब सोल्डरिंग जो है उसको मतलब मैंने लगा के रखा है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको पूरा कट नहीं करना है, पूरा कट कर दोगे तो मतलब होगा नहीं, मतलब एलईडी ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगा। आप ऐसे ही करना, एकदम मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसे एक बार करके देखो, मुझसे ट्रस्ट करो, बहुत अच्छा होगा आप इसको बनाओगे तो। तो देखो ये आपको ऐसे कट करना है। उसके बाद मैं आपको फास्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एलईडी को सोल्ड करना है। तो वीडियो थोड़ा सा फास्ट मैंने दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो इतना छोटा सा वीडियो में आपको इतना सारा चीज़ समझाना होगा, तो समझ सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं सिर्फ उन लेग्स पे मेरा जो सोल्डरिंग वायर है वो लगा था, मतलब मैंने सोल्ड करके लगाए हुए थे, और वहाँ पर ही मैं एलईडी को सोल्ड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो वायर्स है इनको ऐसे पहले पकड़ना है, और उसके बाद इनको सोल्ड कर देना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, और यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ ये एलईडी का लेग कभी एक नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड होता है। जब वो छोटा हो जाता है तो और भी हार्ड हो जाता है। फिर भी आपको लगता है ये शॉर्ट हो जाएगा, तो जो ग्लू गन होता है उससे आप इस पर ग्लू लगा दीजिए, मतलब इन दोनों के मिडिल में आप ग्लू गन से ग्लू लगा दीजिए, जिससे कि ये शॉर्ट नहीं होगा। तो समझ गए ना कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। और उसके अलावा भी मैं आपको डायग्राम अच्छी तरह से समझा दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायग्राम समझा दूंगा। तो डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लेना, वही आपके लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरह से लगा दिया है। तो डायग्राम मैं साइड में दिखा दूंगा कुछ देर बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे मैंने सबको सोल्डिंग कर लिया है। तो आप इसको ऐसे भी चला सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा टेस्टिंग दिखा देता हूँ बैटरी से। तो आप इसको यहाँ पर आपका वर्क ख़त्म कर सकते हो, और बट मैं इसको थोड़ा सा और भी अच्छा लुक देने वाला हूँ। तो और भी अच्छा लुक देने देखना है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो, समझो, तो आपका जो ये होगा, जो आप दिवाली डेकोरेशन लाइट बनोगे वो और भी अच्छा हो सकता है। ऐसा आप ऐसे करके छोड़ सकते हो, बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, इसको आप और भी लुक
अच्छा कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसके कंट्रोल बॉक्स बना रहा हूँ, तो साइज आपको दिख गया है, आप कस्टम साइज लेना। यहाँ पर मैंने दो लिया है, ऊपर होल किया है स्विच के लिए, आपका अलग स्विच है तो आप अलग होल करना। तो यहाँ पर मैंने होल किया है बड़ा वाला वो चार्जिंग पोर्ट के लिए और साइड वाला एलईडी के लिए। आपके पास अलग एलईडी और अलग चार्जिंग पोर्ट है तो आप अलग सा होल करना। यहाँ पर मैं वायर डालने के लिए होल किया हूँ, तो ये होल आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इन इन लोगों को लगाऊंगा, तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिया है सुपर ग्लू। तो आप इसको सुपर ग्लू से लगा सकते हो, फेविकॉल से लगा सकते हो, ग्लूगन से लगा सकते हो, एल्डाइट से लगा सकते हो, एम सील से मत लगाना, बहुत वेट हो जाएगा। सुपर ग्लू बेस्ट है और फेविकॉल बेस्ट है, बट फेविकॉल में बहुत टाइम लगता है। जो वायरिंग का जो डायग्राम है वो आपको साइड में मिल जा रहा है, उसको अच्छी तरह से ध्यान से देखो। वीडियो फास्ट में दिखा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ दिखने के लिए। साइड में आप डायग्राम पे देखो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने किया है जो हमारा एलईडी का पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव्स को मैंने एक कर दिया, मतलब 10 एलईडी हमारे पास है, उन 10 एलईडीज का हम जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैंने एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा सभी एलईडी का नेगेटिव पॉइंट है उन सभी को मैंने एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो क्या हो गया, हमारा दो वायर आ गया है, एक पॉजिटिव जो सभी एलईडी का पॉजिटिव में कनेक्ट है और एक नेगेटिव जो सभी एलईडी का नेगेटिव में कनेक्ट है, और वो दोनों वायर है हमारे एलईडी का वायर। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक 4 वोल्ट का बैटरी, तो बैटरी के साथ बैटरी का पॉजिटिव में मैंने एक डायोड यूज़ करके चार्जिंग पोर्ट में लगा दिया है, और उसके बाद बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है उसको मैं स्विच में लगा दिया है, और जो एलईडी का पॉजिटिव वायर है उसको मैंने स्विच में लगा दिया है, और जो एलईडी का नेगेटिव वायर है उसको मैंने बैटरी पर लगा दिया है, जिससे कि जो कनेक्शन का डायग्राम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमने बॉक्स बनाया ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप 10 एलईडी यूज़ कर रहे हो तो आप 4 वोल्ट के बैटरी से आपका काम हो जाएगा, आप 25 एलईडी यूज़ कर रहे हो तो आप 4 वोल्ट के काम चला सकते हो, बट एम्पियर बढ़ा लेना। और आप 50 और 100 एलईडी तक जा रहे हो तो 12 वोल्ट पे चले जाना, तो तब आपका अच्छी तरह से काम कट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो हमारा जो ये एलईडी लाइट है ये बक्सा लेके तैयार हो चुका है, आप यहाँ पर काम ख़त्म कर सकते हो। बट मैं इसको डेकोरेशन के लिए और भी इसमें काम करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इसको जहाँ पर 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर भी ये यूज़ कर सकते हो। आप आपके छत में लगा सकते हो, जहाँ पर आपको वायर नीचे से ले जाना होता है वहाँ पर आपको ले जाना नहीं होगा। बहुत घर में जो ग्रिल है उससे जो हमारा 220 का प्लग है बहुत दूर रहता है, वहाँ पर भी ये आप यूज़ कर सकते हो, बैटरी से चलता है। इसको आप एक बार चार्ज करोगे तो एक रात बैकअप दे देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देख सकते हो 2 मीटर, नहीं सॉरी दोस्तों ये साइज मुझे नहीं पता है, जो भी हो मैं एक ग्लू स्टिक का 5 पीस करके कट कर ले रहा हूँ। तो मुझे एक ग्लू स्टिक 6 रुपये का पड़ा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, आपके पास 10 रुपये ले सकता है, बट मैं जहाँ से लेता हूँ वहाँ पर मुझसे 6 रुपये करके लेता है एक ग्लू स्टिक्स का। मतलब मैं एक नहीं खरीदता हूँ, मैं जब खरीदता हूँ 50-60 खरीद लेता हूँ, तो कम ले लेता है। तो यहाँ पर ग्लू स्टिक में आपको होल करना है, उसके बाद एलईडी लगाने के बाद वो जो साइड में जो आपको ग्लू मतलब ज़्यादा ग्लू पिघल जाएगा उसको आप स्क्रू ड्राइवर से, आप देखो ऐसे मैंने एलईडी लगा दिया, स्क्रू ड्राइवर से उस वो जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसको मैं साइज करके यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, मतलब अच्छी तरह से साइज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्लू को आपको ऐसे करके वो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है उससे आपको इस ग्लू को फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर फिर से आपको ये ग्लू स्टिक में होल कर देना है और इस एलईडी लगाना है, और जो एक्स्ट्रा ग्लू है देखो मैं आपके लिए मेहनत करके पूरा दिखा रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखो, वीडियो को लाइक मतलब लाइक प्लीज़ कर दो, लाइक मतलब बहुत मेहनत होता है, प्लीज़ कर दो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ऐसा वीडियो मैं बनाता हूँ और आप समझते हो, ऐसा वीडियो बनाते हो तो समझते हो कितना मेहनत होता है ऐसा वीडियोस बनाने के लिए। तो
सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? तो सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा और भी आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियोस लाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हो LED ऐसे मैंने डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद और भी सेफ्टी के लिए, हाँ दोस्तों और भी सेफ्टी के लिए मैं ऊपर, और सेफ्टी सिर्फ नहीं, यहाँ पर वो जो हमारा ऊपर जो हम ग्लू स्टिक लगाए हैं उसके पीछे जो उबर खबर का डिज़ाइन हो चुका है, उस डिज़ाइन को मैं ग्लू गन से थोड़ा सा पीछे वाला डिज़ाइन भी अच्छा कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, वो सख्त भी हो जाएगा और डिज़ाइन भी अच्छा हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लुक भी लगेगा। तो इसका जो टेस्टिंग है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए देख लेते हैं इसका टेस्टिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं स्विच ऑन कर दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो 10 LED लगाया हुआ हूँ बट लग रहा है कितना सारा LED, मतलब बहुत अच्छा लगता है रियली एकदम। आप ऐसे ही मुझसे देख के एकदम सेम तरीके से बनाओ, 100% गारंटी देता हूँ बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। तो आप देख सकते हो।